हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ ओरिजिन कोचिंग। देखिए, आज का मेरा जो वीडियो है वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के फिजिक्स के लिए जो मैं वीडियो बना रहा हूँ, जिसमें CGPSC मेंस, ACF, फॉरेस्ट रेंजर और बहुत से कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो फिजिक्स के सिलेबस कवर होते हैं वो लेके बना रहा हूँ, जिसमें हमारा प्रकाश का चैप्टर चल रहा है। मेरा लास्ट वीडियो आप लोगों ने देखा होगा, तो वहाँ पर हमने लेंस के बारे में पढ़ा। कुछ पोर्शन हमारा लेंस से रिलेटेड और प्रकाश के कुछ और ऐसे टॉपिक बचे हुए हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आज के वीडियो में उनको कवर करा रहा हूँ। आज हमारा लाइट का पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इलेक्ट्रिसिटी विद्युत प्रोवाइड कराऊंगा। तो देखिए, आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ प्रकाश का वर्ण विक्षेपण डिस्पर्सन ऑफ लाइट। वर्ण विक्षेपण मतलब डिस्पर्सन ऑफ लाइट। वर्ण विक्षेपण क्या होता है? देखो, वर्ण और उसका विक्षेपण, उसको बढ़ना। मैं कुछ इस तरह से आपको फिजिक्स की का डिस्कस करूंगा कि आप किसी भी एग्जाम में, आपको चाहे वह किसी भी तरह का कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, फिजिक्स के जनरल साइंस में जो प्रकाश से संबंधित क्वेश्चन आते हैं वो भी आपको कवर हो जाए। तो वर्ण विक्षेपण का मतलब क्या होता है? देखिए, वर्ण विक्षेपण मतलब होता है प्रकाश में जो 7 रंग होते हैं, इन 7 रंगों का अलग अलग विभक्त होना। आप सभी को यह बात पता है कि प्रकाश में 7 रंग होते हैं और प्रकाश के इन 7 रंगों का विभक्त होना, अपने अवयवी भाग में बंटना ही क्या कहलाता है? डिस्पर्सन ऑफ लाइट कहलाता है, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहलाता है। ये बात आप जान लीजिए कि प्रकाश में 7 रंग होते हैं, ये सबसे पहले न्यूटन नाम के साइंटिस्ट ने बताया। न्यूटन ने सबसे पहले बताया, क्या हुआ? न्यूटन एक दिन अपने लेबोरेटरी में कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहे थे और एक कांच का टुकड़ा जो अलग टाइप के शेप में कटा हुआ था, उस समय प्रिज्म के बारे में पता नहीं था, वो विंडो के पास उनका रखा हुआ था और सनलाइट जो एंट्री कर रहा था विंडो में, वह उस ग्लास के पीस से पार होकर आगे निकल रहा था और वहाँ पर जो पेपर उन्होंने रखा हुआ था, उस पेपर में कुछ कलरफुल स्ट्रिप्स बन रहे थे, कुछ रंगीन धारियाँ बन रही थी। वहीं पर न्यूटन ने सबसे पहले बताया, उसको ऑब्जर्व किया और न्यूटन ने बताया कि प्रकाश में 7 रंग होते हैं। एक्चुअल में फिजिक्स में न्यूटन ने जितने रूल्स दिया वो सब नेचर से रिलेटेड है। उन्होंने नेचर का बहुत ज़्यादा स्टडी किया। ऐसे भी फिजिक्स का मतलब होता है स्टडी ऑफ द नेचर, लेकिन फिजिक्स में न्यूटन ने पूरे नेचर को स्टडी किया। इसलिए न्यूटन के जितने रूल्स आप देखेंगे नेचर से मिला हुआ है। साइंटिस्ट ऑफ द नेचर कहा जाता है उनको, न्यूटन को। तो न्यूटन ने इस छोटी सी घटना से बताया कि इसमें 7 रंग होते हैं और उसका बहुत डिटेल है, लेकिन मैं आपको सिलेबस पर ले जा के बात कर रहा हूँ। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि 7 रंग जो उसमें विभक्त होते हैं वो किस तरह से होते हैं। इसके लिए सबसे पहले अपने को पढ़ना चाहिए प्रिज्म। प्रिज्म, तो प्रिज्म क्या है? देखिए, ये प्रिज्म, यदि मैं 3 डायमेंशन फिगर बताऊँ इसका इस तरह से, तो प्रिज्म कुछ इस तरह से बनता है। ये प्रिज्म का 3 डायमेंशन फिगर है और प्रिज्म आप सबने देखा हुआ है, मुझे मालूम है। तो यहाँ पर देखिए, प्रिज्म में कितने सतह, जिसको हम फलक कहते हैं, कितने सतह होते हैं? प्रिज्म में वास्तव में 5 सतह होते हैं, 5 सरफेस होते हैं, जिसमें से 3 जो सतह होते हैं, ये एक आप देख रहे हैं और एक इस साइड में आप देख रहे हैं, ये और एक ये सीधे सीधे में आपको दिखाई रहा है। तो 3 आयताकार और 2 त्रिभुजाकार, 3 रेक्टेंगुलर एंड 2 ट्राइंगुलर सरफेसेस। तो प्रिज्म का परिभाषा क्या हो जाएगा? 3 आयताकार तथा 2 त्रिभुजाकार सतहों से मिलकर बना ऐसा पारदर्शी माध्यम, जिससे प्रकाश की किरणों को पार करने पर वह उनके अवयवी 7 रंगों में विभक्त कर देता है, प्रिज्म कहलाता है। इस प्रकार से यदि हम प्रिज्म को डायरेक्ट 1 डायमेंशन 2 डायमेंशन में शो करें,
तो एक त्रिभुज की तरह हम ऐसा इसको शो करते हैं, क्योंकि हर जगह हम ऐसा फिगर इसका नहीं बना सकते। तो ये है प्रिज्म का इंट्रोडक्शन कि प्रिज्म क्या है। अब हम देखते हैं कि प्रिज्म से प्रकाश का विक्षेपण किस तरह से होता है। प्रिज्म से प्रकाश का जो वर्ण विक्षेपण है वो किस तरह से होता है, देखिए। ये सपोज एक प्रिज्म है, अब यहां से हमने एक प्रकाश की किरण आपतित किया ये। अब जैसे ही ये हवा से कांच में प्रवेश करता है तो यहां पर हम एक अभिलंब खींच दिए और ये अभिलंब से झुकती हुई चली जाती है इस तरह से। अब ये कांच से यहां पर फिर हम क्या करेंगे, एक अभिलंब खींचेंगे तो कांच से हवा में प्रवेश करने के कारण अभिलंब से दूर हट जाती है। इसको हम आपतित किरण कहते हैं, ये आपको पहले से पता है आपतित किरण है। ये क्या है, अपवर्तित किरण है, और ये क्या है, निर्गत किरण है। ये आप ध्यान रखिए, यहाँ पर ये अभिलंब अभिलंब है, अभिलंब और आपतित किरण के बीच का कोण आपतन कोण आई कहलाएगा। यहाँ पर एक अपवर्तन कोण बनता है जिसको हम आर वन कहते हैं, यहाँ पर दूसरा अपवर्तन कोण बनता है जिसको हम आर टू कहते हैं, और यहाँ पर बनता है निर्गत कोण जिसको हम ई कहते हैं, ये निर्गत कोण कहलाता है। अब यहाँ पर देखिए ये एबीसी प्रिज्म है। प्रिज्म की एक खासियत है कि इसमें एक ऐसा कोण बनता है जो और कोई आकृति नहीं बनाता। मैं आगे आपसे डिस्कस करूंगा उसके बारे में कि प्रिज्म ही प्रकाश के किरणों को सात रंगों में क्यों विभक्त करता है। तो आपतित किरण को यदि हम आगे बढ़ा दें इस तरह से और निर्गत किरण को पीछे बढ़ा दें ऐसा, आपतित किरण को हमने आगे बढ़ा दिया और निर्गत किरण को पीछे बढ़ा दिया, तो दोनों एक दूसरे को काटते हैं, वहां जो कोण बनता है उसको डेल से या कैपिटल डी से प्रदर्शित करते हैं, और यहां पर यह डेल या डी कहलाता है विचलन कोण, विचलन कोण, एंगल ऑफ डेविएशन, एंगल ऑफ डेविएशन, ये विचलन कोण कहलाता है। और ये प्रिज्म का सबसे इंपॉर्टेंट रोल यही है कि यह विचलन कोण बनाता है। तो विचलन कोण का परिभाषा क्या हो जाएगा, आपतित किरण को आगे बढ़ाने पर तथा निर्गत किरण को पीछे बढ़ाने पर दोनों के कटान बिंदु पर बना जो कोण है वह विचलन कोण कहलाता है। अब यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो बहुत वर्ण विक्षेपण का डेप्थ में कॉन्सेप्ट है, वो ये है कि क्या वजह है कि प्रिज्म ही क्या करता है, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण करता है। आपके दिमाग में एक सिंपल सा क्वेश्चन आना चाहिए कि हम प्रकाश की किरणों को जब किसी साधारण कांच के टुकड़े से पार करते हैं, आयताकार हो, कांच का गुटका हो, ग्लास स्लैब हो, या गोलाकार कांच का टुकड़ा हो, या किसी और डिजाइन का हो, तो इनमें से जब हम प्रकाश की किरण को पार करते हैं तो वह उनको सात रंगों में विभक्त नहीं करता, लेकिन जब उसी प्रकाश की किरण को हम सात प्रिज्म से पार करते हैं तो वह उन्हें सात रंगों में विभक्त कर देता है। एक सोचने की बात है। तो प्रिज्म के पास ऐसा क्या है, प्रिज्म के पास ऐसा क्या चीज है जो वह उसके सात रंगों में विभक्त करता है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। या आप उसको क्या कह सकते हैं, वर्ण विक्षेपण का कारण, कि ऐसा क्या वजह है कि प्रिज्म प्रकाश के किरणों को सात रंगों में विभक्त करता है। तो उसका कारण है विचलन कोण। यहाँ पर मैं एक चार्ट दे रहा हूँ आपको, ये चार्ट आप कॉम्पिटिटिव के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। ये चार्ट आप हमेशा याद रखिए, ये वर्ण विक्षेपण का सबसे इंपॉर्टेंट चार्ट है, वो ये है। देखिए सबसे पहले मैं रंग लिख रहा हूँ इसका, इसके बाद सेकंड नंबर के इसके पार्ट में लिख रहा हूँ इसका अपवर्तनांक। मैं सीधा संकेत में लिख देता हूँ, अपवर्तनांक मतलब म्यू। इसके बाद इसका विचलन कोण लिख रहा हूँ मैं डेल। इसके बाद मैं लिख रहा हूँ तरंग दैर्ध्य लेमडा, लेमडा यहाँ पर तरंग दैर्ध्य है, वेव लेंथ। और यहाँ पर हम सात रंगों को लिखें, वी आई बी जी वाई ओ आर विपग्योर। ये आपको हिंदी में आपको इसका नाम पता है विपग्योर, इंग्लिश से पहले बता दूँ, वायलेट इंडिगो ब्लू ग्रीन येलो ऑरेंज एंड रेड, ये सेवन कलर्स होता है, बैगनी नीला जामुनी नीला हरा पीला संतरे का कलर ऑरेंज और रेड। ये जो सात रंग होते हैं प्रकाश में
उसमें यदि हम अब पहले मैं इसको विचलन कोण ही लिख देता हूँ, ये विचलन कोण है और यहाँ पर मैं इसका अपवर्तनांक, ये चार्ट आप याद रखिए, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो सकता है कभी भी कि किसका विचलन कोण किससे ज़्यादा होता है कम होता है, ये आपको घुमावदार क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो बैगनी कलर का जो विचलन कोण है वो मैक्सिमम होता है, सबसे अधिक बैगनी रंग का विचलन कोण सबसे अधिक होता है और क्रमशः घटते घटते ये मिनिमम होता है रेड कलर का, सबसे कम। मतलब बैगनी रंग का विचलन कोण सबसे ज़्यादा होता है और लाल रंग का जो विचलन कोण है वो सबसे कम होता है। अपवर्तनांक भी ऐसा ही होता है, सबसे अधिक होता है अपवर्तनांक सबसे अधिक बैगनी कलर का और घटते घटते सबसे कम होता है ये रेड कलर का। लेकिन तरंग दैर्ध्य जो होता है, लैम्ब्डा यहाँ पर तरंग दैर्ध्य है, तरंग दैर्ध्य ठीक उल्टा होता है, बैगनी कलर का तरंग दैर्ध्य सबसे कम होता है और क्रमशः बढ़ते बढ़ते ये सबसे अधिक होता है। तो ये चार्ट आप याद रखना कि किस प्रकार से घटते बढ़ते हैं इनके कलर। और एक महत्वपूर्ण बात यह है जो आप ध्यान रखना कि यहाँ पर यह जो माध्य रंग है, माध्य रंग कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि किस रंग को माध्य रंग कहते हैं, तो माध्य रंग कहते हैं पीला रंग को, येलो कलर को माध्य रंग कहते हैं, माध्य मतलब मिडिल कलर, बीच का कलर। लेकिन यहाँ पर देखिए आपके दिमाग में क्वेश्चन आ सकता है कि सर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 कलर हैं और बीच में तो ग्रीन आ रहा है, तो ग्रीन को अपने को मिडिल कलर लेना चाहिए, तीन इधर बीच में ग्रीन है। लेकिन मैं बता रहा हूँ कि माध्य रंग किसको माना जाता है, पीला को, तो पीला ही माध्य रंग है, इसको सेंटर काउंट करके नहीं निकाला जाता। और कारण क्या है इसका, कारण ये है कि जब सातों रंगों के विचलन कोण का औसत निकाला गया, मतलब सातों रंग के विचलन कोण को जोड़ के जब सात का भाग दिया गया तो उसका जो औसत निकला वह पीले रंग के विचलन कोण के बराबर था। इसलिए गिनती के आधार पर हम माध्य रंग नहीं मानते, माध्य रंग मानते हैं हम उसके मिडिल कलर में होने के कारण। तो ये बात आप कभी नहीं भूलना कि सात रंग में माध्य रंग क्या होता है, पीला। क्यों, कभी आपको क्वेश्चन में पूछे कि पीले रंग को माध्य रंग क्यों मानते हैं, तो आप क्या बताओगे, क्योंकि माध्य रंग का जो विचलन कोण है वह सातों रंग के औसत के बराबर होता है, एवरेज के बराबर होता है। सबसे अधिक विचलन कोण बैगनी रंग का होता है और सबसे कम विचलन कोण लाल रंग का होता है। इस प्रकार से यहाँ पर आप देखिए विचलन कोण को मैंने एक्सप्लेन कर दिया। अब यहाँ पर यदि मैं कलरफुल यहाँ पर कलर बताऊँ, मैं आपको एक फिगर और बना देता हूँ इसको इरेज करके। अब मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि वर्ण विक्षेपण का कारण, कि वास्तव में प्रिज्म क्या है, प्रकाश के रंगों को सात अवयवी रंगों में विभक्त क्यों कर देता है प्रकाश को। तो होता क्या है, देखिए ए बी सी एक प्रिज्म है, अब यदि हम इसको यहाँ पर आपतित करें इस प्रकार से, तो ये जब यहाँ पर पहुँचती है प्रकाश की किरण, यहाँ पर अभिलंब खींच दिए और ये मैंने इसको आगे बढ़ा दिया विचलन कोण के लिए। अब जब प्रकाश की किरण को बाहर निकलना होता है, तो मैंने बताया कि सातों रंग के विचलन कोण अलग अलग होते हैं। तो सपोज ये निर्गत किरण है, इसको मैं पीछे बढ़ाया तो यहाँ पर विचलन कोण बना, ये एक विचलन कोण बन गया। लेकिन हमको क्या कहते हैं कि 7 विचलन कोण चाहिए, एक नहीं 7 विचलन कोण चाहिए, यह बात आप थोड़ा ध्यान से समझेंगे। तो एक निर्गत किरण को मैं यदि पीछे बढ़ाया तो एक ही विचलन कोण तो मिलेगा, यदि मुझे 7 विचलन कोण चाहिए तो 7 निर्गत किरण भी चाहिए। जब तक हम 7 निर्गत किरण नहीं लेंगे तब तक 7 विचलन कोण नहीं बनेगा। तो एक निर्गत किरण और हो गया, इसको पीछे बढ़ा यहाँ बन गया, इसके बाद एक निर्गत किरण और हो गया, इसको बढ़ा यहाँ बन गया। तो आप देखिए यहाँ पर क्या होता है, ये 7 रंगों में विभक्त हो जाते हैं, क्यों, क्योंकि यहाँ पर हमको 7 विचलन कोण चाहिए। तो कभी भी आपको एग्जाम में पूछा कि प्रिज्म जो है प्रकाश की किरणों को 7 रंगों में क्यों विभक्त करता है, तो उसका सीधा या मल्टीपल चॉइस में पूछे कि प्रिज्म के द्वारा प्रकाश की किरणों को 7 रंगों में बांटने का कारण क्या है, कि उनका तरंग दैर्ध्य अलग अलग है, उनका अपवर्तनांक अलग अलग है, उनका विचलन कोण अलग अलग है। तो सही आंसर क्या है, उनका विचलन कोण अलग अलग है, क्योंकि सबके विचलन कोण अलग अलग हैं, इसीलिए ये 7 निर्गत किरण में बट जाते हैं और ये क्या है, इसका वर्ण विक्षेपण होता है। तो इनके विचलन कोण का अलग अलग होना ही इनका कारण है। अब यहाँ पर हमने बताया देखिए कि सबसे अधिक विचलन कोण किसका होता है, बैगनी का। तो जब हम प्रकाश की किरण को प्रिज्म से पार करते हैं तो आप ध्यान रखना ये प्रिज्म का आधार कहलाता है और सबसे नीचे ये बैगनी रंग होता है और सबसे ऊपर होता है रेड कलर। स्पेक्ट्रम, इसको हम कहते हैं स्पेक्ट्रम,
सात रंगों के वर्ण क्रम को हम क्या कहते हैं, स्पेक्ट्रम कहते हैं। और प्रिज्म से जो स्पेक्ट्रम मिलता है उसमें सबसे नीचे बैंगनी होगा और सबसे ऊपर लाल होगा। यदि इसको कोई रेड लिख दे, इसको कोई वायलेट लिख दे, तो वो फिगर गलत हो गया। क्यों? क्योंकि हमारा कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि बैंगनी रंग में सबसे ज़्यादा विचलन होगा, और जिसमें सबसे ज़्यादा विचलन होगा सबसे नीचे रहेगा, और जिसमें सबसे कम विचलन होगा सबसे ऊपर रहेगा। तो ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि वर्ण विक्षेपण क्या है और वर्ण विक्षेपण का कारण क्या है। अब इसमें देखिए, एक बहुत छोटा सा पार्ट है लेकिन इम्पॉर्टेंट है, प्रकाश का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, और मैं आपको कम्प्लीटली कॉम्पिटिटिव एग्जाम के बेस पर उसको मैं पढ़ा रहा हूँ। उसको बहुत इतना डेप्थ में नहीं ले जाऊँगा कि आपको कोई हायर क्लास के हिसाब से उसको पढ़ना पड़े। बेसिक चीज़ों को मैं आपको बता रहा हूँ ताकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आए तो आपको वो अच्छे से बन जाए। अब मैं कुछ डिस्कस करता हूँ आपसे स्पेक्ट्रम के बारे में। स्पेक्ट्रम जो हम अभी देखे, स्पेक्ट्रम मैंने क्या बताया, प्रकाश के सात रंगों का जो वर्ण क्रम होता है उसको हम स्पेक्ट्रम कहते हैं। वर्ण क्रम, प्रकाश के सात रंगों का वर्ण क्रम, तो ये इसके प्रकार, इसके मैं थोड़ा प्रकार पर आपको डिस्कस कर रहा हूं। तो वर्ण क्रम को एक्चुअल में थ्री पार्ट में बांटा गया। पहला आभासी मतलब रियल, और वास्तविक आभासी, सॉरी आभासी मतलब वर्चुअल, ये रियल, ये मैं एक लाइन में एक्सप्लेन करता हूं। आभासी वर्ण क्रम और वास्तविक वर्ण क्रम, एक क्लासिफिकेशन ये हुआ। दूसरा इसका क्लासिफिकेशन है शुद्ध और अशुद्ध, शुद्ध अशुद्ध, प्योर एंड इम्प्योर। और तीसरा क्लासिफिकेशन है इसका उत्सर्जन इमिशन और अवशोषण एब्जॉर्प्शन। अब इसका क्लासिफिकेशन को मैं एक लाइन में आपको समझा दूं, मतलब जो स्पेक्ट्रम होते हैं, वर्णक्रम होते हैं, इतने पार्ट में क्लासिफाई किए जाते हैं, आभासी और वास्तविक। तो आभासी स्पेक्ट्रम किसको कहेंगे, जिनका वर्णक्रम सीधा होता है, जिनका वर्णक्रम उल्टा होता है। पहले मैं वास्तविक पर बात करूं, ये मैं अभी वर्णक्रम आपको बताया था इस प्रकार से, आपने देखा ये सबसे नीचे वायलेट और सबसे ऊपर रेड, तो इस तरह का जो वर्णक्रम होता है वास्तविक होता है। लेकिन सपोज आप प्रिज्म से प्रकाश किरणों को गुजारे इस तरह से, और सबसे नीचे रेड और सबसे नीचे क्या है, ऊपर वायलेट आया है, तो यह आभासी, आप ध्यान रखना, मैंने अभी बताया कि गलत हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। तो रियल स्पेक्ट्रम में वायलेट कलर नीचे होता है और रेड ऊपर होता है, और जो वर्चुअल होता है उसमें सबसे नीचे रेड, ऊपर में वायलेट होता है, एक इंपॉर्टेंट डिफरेंस। दूसरा डिफरेंस इसमें यह है कि आभासी जो स्पेक्ट्रम है उसको हम पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते, मतलब स्क्रीन पर नहीं देख सकते, जैसे थिएटर में अपन स्क्रीन पर फिल्म देखते हैं, तो आभासी को हम पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते, जबकि रियल को क्या कर सकते हैं, हम पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं। ये दो बेसिक डिफरेंस इसके अंतर है। कभी आपको पूछे कि आभासी वास्तविक क्या है, ये बात आप एक्सप्लेन कर सकते हैं, 2 मार्क्स का क्वेश्चन। इसके बाद शुद्ध स्पेक्ट्रम, अशुद्ध स्पेक्ट्रम। तो शुद्ध स्पेक्ट्रम क्या होता है, इसमें जो सात रंग होते हैं, ये प्रकाश में सात रंग होते हैं, ये सातों रंग की जो विभाजन रेखाएं हैं एकदम स्पष्ट अलग अलग दिखाई दे, मतलब एक रंग के बाद जहां से दूसरा रंग स्टार्ट होता है वो पूरा क्लियर दिखाई दे आपको, फिर तीसरा जहां से स्टार्ट होता है वो क्लियर दिखाई दे, तो वो शुद्ध स्पेक्ट्रम कहलाएगा। और अशुद्ध स्पेक्ट्रम का मतलब होता है कि एक रंग यदि दूसरे रंग को क्या किया, ओवरलैप किया हो, मतलब उसके ऊपर कुछ दूर तक ढका हुआ हो, वो क्या कहलाता है, अशुद्ध कहलाता है। जैसे इंद्रधनुष, अभी थोड़ा इंद्रधनुष आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, ये इंद्रधनुष जो होता है वो इंद्रधनुष अशुद्ध स्पेक्ट्रम का उदाहरण है। कभी भी आप देखेंगे तो स्काई में जो रेनबो बना होता है उसमें सातों रंग हमको स्पष्ट नहीं दिखाई देते, एक रंग कुछ दूर तक दूसरे रंग को ओवरलैप किया होता है, तो ये शुद्ध और अशुद्ध होते हैं। और उत्सर्जन और अवशोषण, तो उत्सर्जन और अवशोषण क्या होता है, जैसे हम किसी चीज़ को गर्म कर दिए, रेड हॉट कर दिए, मान लो लोहे को हम क्या गर्म कर दिए, लाल रंग के होते तक गर्म कर दिए, तो उससे जो प्रकाश बाहर निकलता है, तो उससे जो प्रकाश बाहर निकलता है उससे जो स्पेक्ट्रम मिलेगा
उसको हम क्या कहते हैं, उत्सर्जन स्पेक्ट्रम कहते हैं। और यदि हम उसी गर्म वस्तु को ठंडा करें तो ठंडा करने पर क्या करता है, जिन रंगों को अवशोषित कर लेता है वो, क्योंकि ठंडा होगा तो क्या करेगा, हीट एब्जॉर्ब करेगा, तो जिन रंगों को वो अवशोषित कर लेता है उसको हम क्या कह सकते हैं, उसको कहते हैं अवशोषण स्पेक्ट्रम। क्लियर। यहीं पर क्या है, किरचाफ ने एक नियम दिया, किरचाफ को उत्सर्जन और अवशोषण का नियम, और सूर्य के चारों ओर जो स्पेक्ट्रम बनता है या सनलाइट में जो स्पेक्ट्रम बनता है वो क्या कहलाता है, अवशोषण स्पेक्ट्रम। और उसी की सहायता से सूर्य के चारों ओर जो हाइड्रोजन और हीलियम गैस हैं उनको पता लगाया जाता है। तो सूर्य के चारों ओर जो एयर है उसमें कौन कौन से एयर हैं, कौन कौन से एयर के पार्टिकल्स हैं, इनका पता इसी के द्वारा लगाया गया, जो किरचाफ ने बताया था। क्लियर। तो ये हुआ स्पेक्ट्रम का क्लासिफिकेशन। अब हम यहाँ पर थोड़ा सा देखते हैं कि प्रिज्म से प्रकाश के किरणों को मोड़ना, बेंड करना, कि हम प्रिज्म से प्रकाश की किरणों को किस तरह से बेंड कर सकते हैं। इसमें से कोई डायग्राम आपको कभी भी किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, इसी के बेस पर पेरिस्कोप वगैरह बनते हैं। तो प्रिज्म से प्रकाश किरणों को, या सीधा मैं लिखता हूँ प्रकाश को मोड़ना, बेंड करना, प्रिज्म से प्रकाश किरणों को मोड़ना या बेंड करना, जिसमें सबसे पहले अपन देखते हैं 90 डिग्री से। ये विशेष प्रकार के प्रिज्म है, और ये समकोणिक प्रिज्म है। एक्चुअल में ये समकोणिक प्रिज्म है, समकोणिक मतलब राइट एंगल प्रिज्म, जिसमें एक एंगल क्या हो, 90 डिग्री का हो। तो 90 डिग्री से प्रकाश की किरणों को मोड़ना, तो ये किस तरह से होता है, देखिए ये सपोज हमारे पास एक प्रिज्म है इस तरह से। अब यहाँ पर ये 90 डिग्री इसलिए समकोणिक प्रिज्म है, यहाँ मैं प्रकाश की किरण को लंबवत आपतित करता हूँ, और आपको पहले के चैप्टर में समझाया जा चुका है यदि प्रकाश की किरणों को किसी सतह पर लंबवत आपतित किया जाए तो सीधी निकल जाती है, ये सीधी निकल जाएगी। अब यहाँ पर हम अभिलंब खींचेंगे अपवर्तन को शो करने के लिए, तो ये जो कोण होता है वो 45 डिग्री होता है, 45 अंश। और ये प्रिज्म जिस पदार्थ का बनाया गया होता है उसका जो क्रांति कोण है वो नियर अबाउट 42 डिग्री होता है। तो मैंने आपको क्रांति कोण का एक्सप्लेनेशन पिछले वीडियो में आपको दिया था कि यदि प्रकाश की किरण का आपतन कोण क्रांति कोण से अधिक हो जाए तो प्रकाश का उसी दिशा में क्या हो जाता है, परावर्तन, जिसे हम पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। तो यहाँ पर प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाता है इस तरह से, और आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, तो ये भी 45 हो जाता है। तो 45 90 से मुड़ जाता है, और यहाँ पर फिर ये लंबवत आपतित होकर ये सीधा निकल जाता है। इस प्रकार से हम प्रकाश की किरणों को क्या कर सकते हैं, 90 अंश से मोड़ सकते हैं। पनडुब्बी में, सबमेरिन में जो पेरिस्कोप बनाया जाता है वो इसी सिद्धांत पर काम करता है। देखिए सबमेरिन में क्या होता है, पनडुब्बी में जो हम पेरिस्कोप बनाते हैं, ये पेरिस्कोप जो होता है इस तरह से होता है, और ये वाला पोर्शन पानी के अंदर डूबा होता है, यहाँ लेंस वगैरह लगा रहता है, ये पानी के ऊपर ऐसा ऊपर निकला रहता है। तो यहाँ पर इसी तरह का प्रिज्म हम यहाँ पर लगा के रखते हैं, समकोणिक प्रिज्म, ये समकोणिक प्रिज्म यहाँ पर हम लगा के रखेंगे ऐसा, तो प्रकाश किरणें यहाँ आपतित होती हैं और 90 डिग्री से बेंड होकर इधर चली जाती हैं। फिर यहाँ पर भी समकोणिक प्रिज्म लगाते हैं, वो 90 डिग्री से इधर बेंड, एक बार 90 डिग्री से यहाँ बेंड और एक बार 90 डिग्री से यहाँ बेंड, फिर यहाँ पर जो भी पर्सन बैठा होता है यहाँ से आने वाले वस्तु को वो देख लेता है, इसको कहते हैं पेरिस्कोप। तो ये 90 डिग्री से प्रकाश की किरणों को मोड़ने के कांसेप्ट पर बेस्ड है। क्लियर। इसके बाद प्रकाश की किरणों को 180 डिग्री से मोड़ना, 180 अंश से प्रकाश की किरणों कैसे मोड़ा जाता है, देखिए तो उसके लिए प्रिज्म के सिचुएशन को हमको बदलना पड़ता है। ये ऐसा, ये है 90 डिग्री से मोड़ने का कंडीशन, ये भुजा बड़ी होनी चाहिए क्योंकि हम कर्ण को ऐसा कर दें, ये कर्ण है और ये इसका 90 डिग्री वाला, ये 90 डिग्री वाला पोर्शन है ये, और ये हो गया कर्ण। अब बहुत आसान है, देखिए प्रकाश किरण को लंबवत आपतित किए, यहाँ विलंब खींचे 45 डिग्री से बेंड हो गया ये, फिर यहाँ पर अभिलंब खींचे, यहाँ पर आपतन कोण 45 डिग्री का है तो 45 डिग्री से परावर्तित हो गया। तो प्रकाश की किरण को जिधर से हम आपतित किए थे उधर ही हम परावर्तित कर दिए, तो कितने डिग्री से मुड़ गया, 180 डिग्री से मुड़ गया। तो ये आप ध्यान रखिए, इस तरीके से प्रकाश की किरणों को हम 180 डिग्री से मोड़ सकते हैं। क्लियर। इसके बाद ये हमारा थर्ड है कि उल्टा इमेज बनाना,
उल्टा प्रतिबिंब बनाने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। ये किस तरह से, अब यहाँ पर हम इस तरह से इसके कर्ण को नीचे बना देंगे। ये कर्ण को मैंने नीचे बना दिया। अब यहाँ पर एक वस्तु है, ये रे डायग्राम थोड़ा ध्यान समझेंगे। ये यहाँ से मैं क्या किया, एक प्रकाश किरण आपतित किया, दूसरा यहाँ से प्रकाश किरण आपतित किया, यहाँ अभिलंब खींचा, यहाँ 45 अंश का कोण है तो 45 से परावर्तित होकर इधर चला गया, यहाँ पर भी 45 से आपतित है तो 45 परावर्तित होकर यहाँ चला गया। अब देखिए, मान लो ए भी वस्तु है तो ये जो प्रकाश किरण ये ऊपर चला गया, तो यहाँ पर जो प्रतिबिंब बनेगा, यहाँ पर जो हम प्रतिबिंब बनाते हैं तो ये वाला पोर्शन ए का प्रतिबिंब ऊपर और बी का प्रतिबिंब नीचे बन जाता है। ये तो जो ये ऐसा सीधा था वो इस तरह से क्या हो जाता है, उल्टा हो जाता है। तो ये हम प्रकाश की किरणों को क्या करते हैं, उल्टा कर सकते हैं, प्रतिबिंब को उल्टा बना सकते हैं। तो ये जो समकोणिक प्रिज्म होता है, ये तीन तरीके से इसको हम बना सकते हैं। क्लियर। तो ये है प्रिज्म से प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। अब थोड़ा मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। रेनबो दैट मीन्स इंद्रधनुष। इंद्रधनुष आप सभी ने देखा हुआ है। इंद्रधनुष किस सिचुएशन पर बनता है ये देखिए। ये सब बेसिक साइंस है, यही तो कॉम्पिटिटिव में आपको पूछे जाते हैं। रेनबो इंद्रधनुष बनता कब है, आपको पता है कि बारिश के बाद यदि तेज धूप निकल जाए तो हमको आकाश में इंद्रधनुष दिखाई देता है। जनरली बरसात के दिनों में नहीं, बल्कि कभी समर टाइम में बारिश हो जाए अचानक तो इंद्रधनुष ज़्यादा देखने को मिलता है, क्योंकि बारिश के दिनों में तो क्लाउड्स होते हैं, स्काई में क्लाउड्स होते हैं और सनलाइट सफिशियंट नहीं होता, तो रेनबो बनने का चांसेस कम होता है। बारिश के बाद यदि तुरंत धूप निकले, उसका भी टाइम है, आपने कभी वॉच किया होगा, इसका सबसे सुटेबल टाइम है मॉर्निंग में AM और इवनिंग में 4 to 5 PM। ये एग्जैक्ट टाइम नहीं है, लेकिन ये अप्रोक्सीमेटली इसी तरह सवेरे आपको 9-10 बजे रेनबो दिखाई देगा या शाम को 4-5 बजे दिखाई देगा। उसका कारण क्या है, क्योंकि इसी समय भी आपको मैं समझा रहा हूँ, क्योंकि इसी समय क्या होता है, सनलाइट तिरछा पड़ता है, तो बारिश के बाद कुछ वाटर ड्रॉपलेट्स, वर्षा की जो बूंदें हैं वो आकाश में लटक जाती हैं। इस प्रकार से सपोज मैंने ये एक बारिश की बूंद का ये लटक गया। अब यहाँ पर जब 9-10 बजे या शाम को 4-5 बजे प्रकाश की किरणें से तिरछी पड़ती हैं इस प्रकार से, तो तिरछी पड़ने पर ये प्रकाश किरणें अपवर्तित होकर यहाँ पहुँच जाती हैं, यहाँ पूर्ण आंतरिक परावर्तन का सिचुएशन बन जाता है और ये रिटर्न वापस आती हैं। और यहाँ पर देखिए, इंद्रधनुष एक प्राकृतिक घटना है जो कि हमेशा नहीं हो सकता, ये एक कंडीशनल इवेंट्स है, मतलब ये विशेष परिस्थिति में जब सारा सिचुएशन कि टाइम भी वैसी हो, प्रकाश की किरणें उतने कोण बना के ही आपतित हों, बारिश की बूंदें वहाँ पर लटकी हुई हों, ये सारा सिचुएशन जब बनता है तो तभी रेनबो बनता है, अदरवाइज हर बारिश के बाद हमको रेनबो दिखाई देता है। तो ये स्पेशल सिचुएशन है, आप इसको ऐसा कोरिलेट मत करिए कि ऐसा क्यों होता है वैसा क्यों होता है, एक स्पेशल सिचुएशन है। तो यहाँ पर फिर क्या होता है, जब ये प्रकाश की किरणें बाहर निकलती हैं तो यहाँ पर हो जाता है उसका वर्ण विक्षेपण। क्यों, क्योंकि यहाँ पर बन जाता है विचलन कोण और ये अपने 7 रंग में विभक्त हो जाता है। इस प्रकार से 7 रंग में विभक्त होने के कारण हमको इस तरह से अनंत बारिश, मैंने एक ड्रॉप बनाया है, ऐसे इनफाइनाइट नंबर ऑफ वाटर ड्रॉपलेट्स हैं, तो पूरे बूंद मिलके फिर क्या है, हमको एक कलरफुल स्ट्रिप दिखाई देता है जिसको हम इंद्रधनुष कहते हैं। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन जरूर आ रहा होगा कि इस तरह से वो वृत्ताकार क्यों होता है, तो उसका कारण क्या है कि हमारा पूरा यूनिवर्स सर्कुलर है। जैसे हम इसको पृथ्वी से देखते हैं, वास्तव में वो रेनबो पूरा इस तरह से बना रहता है ऐसा, लेकिन सपोज ये अर्थ है और अर्थ के इस पोजीशन पर आप हैं तो आप इतने पोर्शन को उसके देख पा रहे हैं इतने को, जबकि वो रेनबो क्या है, कंप्लीट बना हुआ है, एक सर्कल ही बना हुआ है कंप्लीट वो, लेकिन अर्थ के इस छोटे से पोर्शन से जब आप स्काई को देखेंगे तो एक छोटा पार्ट को आप देख पाएंगे। जैसे मैं यहाँ पर फिगर में बता रहा हूँ, आप यहाँ देखें इतना आपको रेनबो दिखाई दे रहा है। एक बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन पूछा था कि यदि कोई व्यक्ति पृथ्वी के अक्ष से बाहर की ओर आ जाए, या कोई एस्ट्रोनॉट हो या कोई अंतरिक्ष यात्री हो और वो पृथ्वी के अक्ष
पृथ्वी कक्ष मतलब सेंटर से बाहर और अक्ष पर खड़ा होकर रेनबो को देखे तो पूरा रेनबो उसको कैसा दिखाई देगा, सर्कल में दिखाई देगा। हमको छोटा पार्ट से दिखाई देता है क्योंकि हम अर्थ के सरफेस में खड़े हुए होते हैं और एक छोटे पोर्शन को देख पाते हैं, इसलिए अदरवाइज वो क्या होता है, पूरा एक सर्कुलर रिंग होता है वो, और हम उसके एक छोटे आर्क को देख पाते हैं। और ये दो प्रकार का होता है, ये मैंने बताया वो प्राथमिक है, ये दो प्रकार का होता है, प्राथमिक और द्वितीयक। प्राथमिक और द्वितीयक सेकेंडरी रेनबो, इसमें क्या होता है, ये जो घटना दो बार होती है, ये अंदर गया, ये परावर्तन हुआ और फिर ये परावर्तन होके दो बार होता है, ये ऐसा एक बार परावर्तन यहाँ और इसके बाद जैसे हमने इसको यहाँ पर, तो एक बार परावर्तन फिर यहाँ फिर बाहर, यहाँ अपवर्तन, यहाँ परावर्तन, यहाँ परावर्तन और यहाँ अपवर्तन। यहाँ पर आप देखो केवल एक बार परावर्तन हो रहा है, तो जिसमें दो बार अपवर्तन एक बार परावर्तन हो वो प्राथमिक है, और जिसमें दो बार अपवर्तन दो बार परावर्तन हो वो क्या है, द्वितीयक है। और कभी भी प्राथमिक और द्वितीयक दोनों इंद्रधनुष एक साथ बनते हैं तो नीचे में प्राथमिक होता है और द्वितीयक ऊपर होता है। इनको पहचानने का क्या तरीका है कि प्राथमिक इंद्रधनुष डार्क कलर का दिखाई देता है, इसमें कलर अच्छे दिखाई देते हैं, और द्वितीयक जो सेकेंडरी रेनबो होता है उसमें क्या होता है, धुंधला होता है, उतना क्लियर नहीं होता, क्योंकि इसमें 2 डिग्री का डिफरेंस होता है और इसमें रंगों के बीच में 5 डिग्री का डिफरेंस होता है, क्लियर। तो ये उसको ज़्यादा डेप्थ में और ज़रूरत नहीं है आपको, बस आपको ये जानना है कि इंद्रधनुष बनने का कारण क्या है, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण है, ये दो प्रकार होता है, प्राथमिक होता है और द्वितीयक होता है, और कारण क्या है उसका। इसके बाद इस चैप्टर के बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कई बार आपको एग्जाम में आया हुआ होगा या आपने एनसार्ड वगैरह में पढ़ा होगा, वो है प्रकीर्णन, प्रकाश का प्रकीर्णन, स्कैटरिंग, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, प्रकाश का प्रकीर्णन। प्रकाश का प्रकीर्णन क्या होता है, वास्तव में प्रकाश में जो 7 रंग हैं उनका मिक्सअप होना, उनका घुलना, और उनके मिक्सअप होने के बाद उनका जो परिणामी रंग दिखाई देता है वो प्रकीर्णन के कारण देता है। जैसे कई बार आपको एग्जाम में पूछा होगा आकाश का निकला दिखाई देना, आकाश का नहीं, पहले आपको प्रकीर्णन को समझा दूं, होता क्या है कि जैसे ये सन है, अब सन से निकलने वाले जो लाइट, इस तरह से जो सन लाइट है ये अर्थ है, तो पहले तो क्या है ये बहुत दूर तक वैक्यूम है, निर्वात है, लेकिन जैसे ही ये क्या होता है वायुमंडल में प्रवेश करते हैं, एटमॉस्फेयर में जैसे ही प्रकाश की किरणें प्रवेश करती हैं, तो एटमॉस्फेयर में प्रवेश करते ही यहाँ पर डस्ट पार्टिकल्स, धूल के कण और एयर पार्टिकल ये सब मिलते हैं, ये डस्ट पार्टिकल एयर पार्टिकल्स यहाँ पर मिलते हैं, ऊपर में तो कुछ नहीं था, लेकिन जैसे ही पृथ्वी के वायुमंडल में पहुँचते हैं तो यहाँ पर क्या होता है, प्रकाश के 7 रंग आपस में मिक्सअप हो जाते हैं, घुल जाते हैं, और घुलने के पश्चात इनका जो परिणामी रंग है वो नीला होता है, नीला रंग बनता है, क्योंकि परसेंटेज में नीला नीला रंग 7 रंग में सबसे अधिक होता है। तो हम यहाँ से अर्थ से, यहाँ पृथ्वी से जब हम आकाश को देखते हैं तो कैसा दिखाई देता है हमको, नीला दिखाई देता है। ये हमारे इंडियन लोग के लिए ये बहुत प्राउड का बात हो सकता है कि प्रकीर्णन का सबसे डिटेल स्टडी सबसे पहले किसने किया, डॉक्टर सी वी रमन ने किया, डॉक्टर सी वी रमन ने प्रकीर्णन को सबसे पहले बताया, और इसी के लिए, इसी खोज के लिए, इसको डिटेल स्टडी करने के लिए डॉक्टर सी वी रमन को क्या है, नोबेल प्राइज मिला था, फर्स्ट, अभी तक के फर्स्ट और लास्ट इंडियन जिनको फिजिक्स में, इंडियन ना NRI ने, जिनको हमको फिजिक्स में नोबेल प्राइज मिला है, जो प्रकीर्णन के लिए मिला हुआ है। इस तरह से प्रकाश के 7 रंगों में मिलना ही क्या कहलाता है, प्रकीर्णन कहलाता है, और इसी कारण हमको आकाश क्या देता है, नीला दिखाई देता है। तो आपको एग्जाम में पूछा जाता है आकाश के नीला दिखाई देने का कारण क्या है, तो आकाश के नीला दिखाई देने का कारण क्या है, प्रकीर्णन है, क्योंकि प्रकाश की किरणें जब पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करती हैं तो वो क्या होती हैं, घुल जाती हैं, घुलने के बाद उनका रिजल्टेंट कलर, उनका परिणामी रंग क्या बन जाता है, नीला। उसी प्रकार से सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का लाल दिखाई देने का कारण भी प्रकीर्णन है। कैसे, देखिए ये अर्थ है और सपोज हम यहाँ पर खड़े हैं, अब सूर्योदय के समय इस तरह से सन का पोजीशन है, हम इधर घूम रहे हैं, एक्चुअल में हमको क्या लगता है कि सूर्य हमारी ओर आ रहे हैं, सूर्योदय हो रहा है, मतलब ऐसा लगता है कि सूर्य ऊपर उठते जा रहा है, ऐसा नहीं है, हम नीचे जाते जा रहे हैं, हम ऐसा नीचे जा रहे हैं,
ठीक है, हम जनरली एक मिसकंसेप्शन हमारे दिमाग में होता है या जनरली जो डेप्थ में पढ़ाई नहीं किया है वो लगता है कि सन, खासकर आप सी बीच वगैरह में जाकर देखें लगता है कि सन क्या है, समुद्र से ऊपर निकल के वो धीरे धीरे ऊपर उठ रहे हैं। एक्चुअल में वो अपने जगह में है, हम सन की ओर जा रहे हैं। यहाँ फिगर को देखिए, ये सन तो अपने जगह में है, हम घूमते हुए, हम इस तरह से एंटी क्लॉकवाइज घूमते हुए सन की ओर जा रहे हैं। तो होता क्या है कि इससे निकलने वाले जो सेवन कलर्स हैं, इसमें प्रकाश में जो सात रंग हैं सूर्य में, वो इस तरह से बाहर निकल के ये हमारी ओर आ रहे हैं। अब इसमें रास्ते में होता है प्रकीर्णन, रास्ते में जब इसमें प्रकीर्णन होता है तो प्रकीर्णन के बाद जो आगे जो प्रकाश की रंग आगे पहुंचता है हमारे तक, उसमें केवल लाल रंग ही पहुंच पाता है। और उसका कारण क्या है, क्योंकि लाल रंग का जो तरंग दर्द है वो क्या होता है, मैग्नीशियम, अभी मैंने बताया। तो बाकी जो रंग होते हैं, बाकी जो सूर्य के प्रकाश में बाकी जो छह रंग हैं, वो प्रकीर्णन के बाद वही समाप्त हो जाते हैं, उतनी दूरी तय नहीं कर पाते। लेकिन लाल रंग का तरंग दर्द सबसे अधिक होता है, वह हम तक पहुंच जाता है। एक्चुअल में रेने नाम के साइंटिस्ट ने बताया था कि प्रकीर्णन की जो तीव्रता होती है आई, वह 1/λ^4 के बराबर होता है। इस कारण से क्या होता है, लाल रंग हम तक पहुँच पाता है। तो लाल रंग हम तक पहुंचेगा तो हम सूर्य को किस रूप में देखेंगे, लाल रंग में, क्योंकि किसी वस्तु से जो रंग परावर्तित होके हम तक पहुंचता है वह उसी रंग का दिखाई देता है। अब ध्यान में मेरे एक बात आ रहा है, तो मैं एक बात आपको यहाँ पर नोट करके बता दूं, स्पेशली इसको आप कभी भी ध्यान रखना, कॉम्पिटिटिव में बहुत काम का हो सकता है ये कॉन्सेप्ट। ये बात आपको क्लियर समझ में आ गया होगा कि प्रकीर्णन के बाद हम तक केवल लाल रंग पहुंच पाता है, इसीलिए सूर्य हमको लाल दिखाई दे देता है। यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि कोई भी वस्तु उस कलर का क्यों दिखाई देता है। कभी आपके दिमाग में क्वेश्चन आया होगा कि लाल रंग लाल ही क्यों दिख रहा है, पीला रंग पीला ही क्यों दिख रहा है, बैंगनी रंग बैंगनी ही क्यों दिख रहा है। तो उसका कारण क्या है, आप सपोज इमेजिन करिए ये मेरे पास है कोई वस्तु है और ये लाल रंग का है। इसको आप कल्पना कीजिए कि लाल रंग का वस्तु है। अब इसमें मैं सात रंग के प्रकाश की किरण को आपतित किया, इसमें कितने रंग है, सात रंग। तो लाल रंग का खासियत क्या है, लाल रंग की विशेषता क्या है, कि वह लाल रंग को छोड़ के बाकी सब रंग को क्या कर लेता है, अवशोषित कर लेता है, और केवल वो क्या करता है, लाल रंग को परावर्तित करता है। इस वस्तु का वो विशेषता है कि सेवन कलर में सिक्स कलर को एब्जॉर्व कर लिया, अवशोषित कर लिया और परावर्तित किया किसको, केवल लाल रंग को। तो यहाँ से हम जब देखते हैं तो ये वस्तु हमको लाल रंग का दिखाई देता है। तो किसी भी वस्तु के उस रंग का दिखाई देने का कारण क्या है, कि वह उस रंग को छोड़ के, जिस रंग का वह होता है उस रंग को छोड़ के बाकी रंग को अवशोषित कर लेता है और उस रंग को परावर्तित करता है। सफ़ेद रंग के बारे में हम बात करें तो व्हाइट कलर व्हाइट क्यों दिखाई देता है, क्योंकि वो क्या, सातों रंगों को परावर्तित कर देता है, कोई भी रंग को अवशोषित नहीं करता, इसलिए हमको सातों रंग परावर्तन के पश्चात सफ़ेद कलर दिखाई देता है। काला रंग का क्यों दिखाई देता है, क्योंकि सातों रंग को वह अवशोषित कर लेता है। सफ़ेद सातों रंग को परावर्तित कर दिया और काला क्या किया, ब्लैक कलर सातों रंग को अवशोषित कर लिया, जिसके कारण वह काला दिखाई देता है, क्योंकि जब तक वह परावर्तन नहीं करेगा वो वस्तु हमको दिखाई नहीं देगा। वास्तव में जो काला रंग होता है, हम बोलते हैं काला रंग का दिखाई दे रहा है, ऐसा नहीं है। हम फिजिक्स की लैंग्वेज में बात करें तो हमको दिखाई नहीं दे रहा है इसलिए वो काला दिख रहा है, जैसे रात काली होती हमको कोई दिखाई नहीं देता, वैसे काला रंग का कोई पर्दा है तो हम बोलते हैं काला रंग का दिख रहा है, ये गलत है। वास्तव में सच्चाई क्या है, हमको दिख नहीं रहा है। क्यों नहीं दिख रहा है, क्योंकि प्रकाश का परावर्तन वो कर ही नहीं रहा है और पूरे प्रकाश को अवशोषित कर रहा है। तो यहाँ पर कॉम्पिटिटिव में बहुत कॉमन क्वेश्चन है जो पूछा जाता है, ध्यान से समझना, मैं आपको एक एग्जाम्पल समझा रहा हूँ। जैसे क्वेश्चन आया कि मेरे पास एक लाल रंग का गुलाब का फूल है, सपोज मेरे पास, ध्यान से सुनिए क्वेश्चन को, सपोज मेरे पास एक लाल रंग का गुलाब का फूल है और उस गुलाब के फूल को मैं पीले रंग की रोशनी में ले जाके देख रहा हूँ, जहाँ पर ओनली येलो कलर है। तो ध्यान से सुनिए ना, गुलाब का रंग लाल है और जिस रोशनी में उसको ले जाके देख रहा हूँ वहाँ पर केवल पीला रंग का है, तो किस रंग का दिखाई देगा वो, सोचिए आप किस रंग का दिखाई देगा, काला रंग का दिखाई देगा। क्लियर, ये बहुत बार इस तरह का क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव में कलर साइंस में पूछा जाता है। तो काला क्यों दिखाई दिया, आप ध्यान से समझिए, काला इसलिए दिखाई दिया
क्योंकि हम जैसे ही लाल रंग के गुलाब के फूल को पीले रंग की रोशनी में ले जाके देखेंगे, तो लाल रंग के गुलाब की विशेषता क्या है, वो लाल को परावर्तित करता है, बाकी को अवशोषित कर लेता है। अब जिस रोशनी में हम उसको ले जा के देख रहे हैं वहाँ तो केवल पीला रंग है, तो पीला रंग को उसने अवशोषित कर लिया और परावर्तित किसको किया, किसी को नहीं। जब किसी को परावर्तित नहीं करेगा तो रंग कैसे दिखाई देगा, काला दिखाई देगा। तो ये एक बार आप कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा तो आप इसका आंसर दे सकते हैं। दैट मीन्स कोई भी वस्तु अपने कलर को तभी शो करेगा जब उस प्रकाश में उसका कलर विद्यमान हो, यदि नहीं है तो काला दिखाई देगा। क्लियर। तो कलर साइंस है जो प्रकीर्णन से रिलेटेड है। इस तरह से यहाँ पर मैंने कंप्लीट किया आपको कि प्रकीर्णन क्या होता है, वर्ण विक्षेपण क्या होता है और वर्ण विक्षेपण को हम कितने तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब चलिए हम यहाँ पर पढ़ते हैं थोड़ा सा टेलीस्कोप और माइक्रोस्कोप के बारे में, जो आपके सिलेबस में है वो है प्रकाशिक यंत्र। तो टेलीस्कोप माइक्रोस्कोप तो बहुत डिटेल टॉपिक होता है, मैं आपको एक जनरल साइंस के लेवल पर एक्सप्लेन कर देता हूँ ताकि आपको कभी एग्जाम में आए तो आप उसको बना सकें। प्रकाशिक यंत्र जिसमें बेसिकली आपको पढ़ा रहा हूँ क्या, सूक्ष्मदर्शी। सबसे पहले सूक्ष्मदर्शी, इंग्लिश में अपन बोलेंगे क्या माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप मतलब होता है बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स को देख सकने वाला इंस्ट्रूमेंट्स या डिवाइस, जिसकी सहायता से हम बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स को देख सकते हैं वो क्या कहलाता है, माइक्रोस्कोप कहलाता है। तो माइक्रोस्कोप बेसिकली टू टाइप्स का होता है। अब तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप भी हो गए लेकिन उसके बारे में डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, थोड़ा बता दूंगा जरूर आपको। एक होता है सरल सूक्ष्मदर्शी और इसको बोलते हैं सिंपल माइक्रोस्कोप। सूक्ष्मदर्शी पढ़ने से पहले आपको थोड़ा समझना चाहिए दर्शन कोण विजुअल एंगल। ये दर्शन कोण क्या होता है, देखिए हमारे आंख में ह्यूमन आई में कॉन्वेक्स लेंस होता है। ये मैंने आपको पीछे एक चैप्टर में पढ़ाया था, जब दृष्टि दोष पढ़ाया था आपको, तो दृष्टि दोष में मैंने आपको बताया था कि हमारे आंख में उत्तल लेंस होता है। अब जब हम अपने आंख के लेंस से, जैसे सपोज मैं अपनी आंख से इस चाक होल्डर को देख रहा हूँ, तो एक प्रकाश की किरण ऊपर से और दूसरी प्रकाश की किरण नीचे से आ रही होगी, और ये सपोज ये वस्तु है तो एक प्रकाश की किरण तो यहाँ चली गई सीधी बॉटम से और एक टॉप से यहाँ, तो यहाँ से और यहाँ इन दोनों के बीच में आँख में जो कोण बनेगा उसको वस्तु का दर्शन कोण कहते हैं और उसको अल्फा से प्रदर्शित करते हैं। तो क्या बताया मैंने, किसी वस्तु के द्वारा आँख के केंद्र पर बने कोण को वस्तु का दर्शन कोण कहते हैं। अब हम अपनी आँख से केवल वस्तु बस नहीं देखते, प्रतिबिंब भी देखते हैं। तो सपोज ये प्रतिबिंब है, ये आई फॉर इमेज। तो यदि मैं किसी प्रतिबिंब को देखूं तो प्रतिबिंब को देखने से जो दर्शन कोण बनेगा, यहाँ पर देखो नाम से स्पष्ट दर्शन मतलब किसी चीज को देखने से आंख पर बना कोण, तो इसको हम प्रदर्शित करेंगे किससे, बीटा से। जबकि वस्तु क्या है, लिस्ट डिस्टेंस पर हो, मतलब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी है जिसको हम लिस्ट डिस्टेंस कहते हैं, जो कि मानव नेत्र के लिए क्या कितना होता है, 25 सेंटीमीटर। ये ह्यूमन आई है, दैट मीन्स हम 25 सेंटीमीटर तक के वस्तु को बहुत साफ साफ देख सकते हैं, निकट के ना, दूर की बात नहीं कर, निकट। यदि हम किसी वस्तु को 25 सेंटीमीटर से पास ले आए, जैसे आप बुक को लेकर ऐसा पढ़ोगे तो आप नहीं पढ़ पाते, आपको पता है, जबकि जितना पास आ रहा है आंख उतना हमको साफ दिखाई देना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। उसका एक मिनिमम डिस्टेंस है कि यदि हम वस्तु को 25 सेंटीमीटर से भी पास ले आए अपने आँख के तो हमको साफ साफ दिखाई नहीं देगा, ये कहलाता है स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी। और इसका जो आवर्धन क्षमता होता है, ये फार्मूला आप याद रखना, आवर्धन क्षमता, ये मैग्नीफाइंग पावर एम
इक्वल टू होता है बीटा अपान अल्फा। मतलब प्रतिबिंब के दर्शन कोण और वस्तु के दर्शन कोण को भाग देने पर जो प्राप्त होगा वो कहलाएगा उसका आवर्धन क्षमता, मैग्नीफाइंग पावर। ये कहलाता है मैग्नीफाइंग पावर, क्लियर। तो ये दर्शन कोण होता है जो सूक्ष्मदर्शी में बनता है। इसीलिए हम क्या है, जिन चीजों को खुले आंख से नहीं देख पाते उसको देखने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं, सूक्ष्मदर्शी का उपयोग करते हैं। तो सरल सूक्ष्मदर्शी इस तरह से होता है, देखिए सरल सूक्ष्मदर्शी एक अकेला उत्तल लेंस है। इसका रे डायग्राम बनाने का प्रैक्टिस मैं आपको करा चुका हूं। सरल सूक्ष्मदर्शी क्या है, एक उत्तल लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस है, जो हमको आपने देखा होगा रीडिंग लेंस, एक लेंस होता है ऐसा और इसमें एक हैंडल लगा होता है इस तरह से पढ़ने के लिए, या बायो के स्टूडेंट डिसेक्शन बॉक्स में यूज़ करते हैं, या छोटे छोटे राइटिंग को पढ़ने के लिए अपन यूज़ करते हैं। यही एक्चुअल में सिंपल माइक्रोस्कोप है, ये कोई बड़ा उपकरण नहीं है। माइक्रोस्कोप कहने से स्टूडेंट को लगता है कि बड़ा डिवाइस होगा, ऐसा नहीं है। सिंपल माइक्रोस्कोप केवल एक उत्तल लेंस है और ये कार्य इस तरह से करता है। ये बस इसमें कंडीशन ये है, ये लेंस है और लेंस में हम यहाँ पर वस्तु को इसके प्रकाश केंद्र और फोकस के बीच रखते हैं। ये सब मैं पढ़ा चुका हूँ आपको। तो यहाँ से हम एक प्रकाश की किरण प्रकाश केंद्र से होकर लेके जाते हैं और उसको इसी टाइम में क्या करते हैं, पीछे बढ़ा देते हैं। दूसरी प्रकाश की किरण को मुख्य के समांतर लेके जाते हैं। मैंने सिखाया था पीछे चैप्टर में, सब स्केल से डायग्राम ड्रा किया हूँ आपको सिखाने के लिए। इस तरह से ये इमेज बनता है और ये इमेज कैसे बनता है, ये इसको पीछे बढ़ाया गया है और ये इस तरह से एक जो छोटा सा वस्तु है इसका हम बड़ा इमेज बनाते हैं। ये ऑब्जेक्ट है, ये इमेज है। तो देखिए ये छोटे से वस्तु का एक बड़ा सा इमेज बन गया, यही कहलाता है सरल सूक्ष्मदर्शी। तो ये जो उत्तल लेंस का 6th नंबर का पोजीशन है, जो मैं आपको 6 पोजीशन समझाया था उसका 6th पोजीशन, यही क्या है, सरल सूक्ष्मदर्शी है, क्लियर। ये कहलाता है सरल सूक्ष्मदर्शी। इसके बाद मैं आपको बताता हूं संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, कंपाउंड माइक्रोस्कोप। तो संयुक्त सूक्ष्मदर्शी क्या है, जो आपने लैब में देखा होगा ब्लैक कलर का, स्कूल में आपने पढ़ाई किया होगा तो स्लाइड वगैरह देखा होगा, तो उसको जब अपन घुमाते हैं तो एक पाइप ऊपर नीचे होता है, वो है संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी इंग्लिश में बोलता है कंपाउंड माइक्रोस्कोप। कंपाउंड नाम से स्पष्ट है, इसमें 2 लेंस उपयोग में किया लाया जाता है। यहाँ पर मैं आपको एक फिगर ड्रा कर दूं और इससे आप समझ जाना कि काम कैसे करता है, ये इसका वर्किंग है। कभी आपको एग्जाम में इसका वर्किंग या रे डायग्राम बोले तो ऐसा बना सकते हैं। सबसे पहले एक छोटा सा लेंस आप बनाएंगे, ये यहाँ पर 2 लेंस उपयोग में लाया जाता है, इसको बोलते हैं ऑप्टिक, ये वस्तु लेंस है, ये ऑब्जेक्टिव लेंस। यहाँ पर एक छोटा सा वस्तु बना देंगे क्योंकि कंपाउंड माइक्रोस्कोप का उपयोग क्यों होता है, और बहुत छोटे चीज़ों को देखने के लिए, जैसे सरल सूक्ष्मदर्शी से जिसको हम नहीं देख पाते उसको संयुक्त से देखते हैं। एक प्रकाश के मुख्य अक्ष के समानांतर रखिए, सॉरी ऑप्टिकल सेंटर से ले गया प्रकाश केंद्र से, दूसरा मुख्य अक्ष के समांतर ले गया, दोनों एक दूसरे को काटते हैं और यहाँ पर बनता है एक प्रतिबिंब। ये प्रतिबिंब बन गया, ए बी वस्तु है और इससे बड़ा आप देख रहे हैं चित्र में ए डैश बी डैश, एक प्रतिबिंब बन गया। अब यही काम खत्म नहीं होता, अब ये दोनों प्रकाश की किरण को एक दूसरे हम लेंस में प्रवेश कराते हैं जो इससे बड़ा होता है। आप चित्र में देख रहे हैं कि वो लेंस उससे बड़ा है। तो यहाँ पर काटने के बाद पहला प्रतिबिंब बना और दोनों प्रकाश की किरणें यहाँ पहुँच गई। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, एक रचना करते हैं ये, और ये जो रचना की यहाँ पर एक प्रतिबिंब बना दिए। अब ये प्रतिबिंब बना कैसे है, इस प्रकाश की किरण को हम पीछे ले जाएंगे और इधर आगे बढ़ा देंगे, इस प्रकाश की किरण को भी हम पीछे बढ़ाएंगे। देखिए ये सब के लिए बहुत प्रैक्टिस चाहिए ना आपको, ये सब बनाने के लिए बहुत प्रैक्टिस चाहिए, ऐसे बनेगा नहीं है। मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि काम कैसे हुआ है। यहाँ से चलने वाली 2 प्रकाश की किरणें पहला प्रतिबिंब यहाँ पर बनाती हैं, फिर आगे जाके ये दोनों प्रकाश की किरणें इस नेत्रिका लेंस में प्रवेश करती हैं, और चूंकि ये प्रकाश केंद्र और फोकस के बीच होता है तो ये इस प्रकार से प्रकाश किरणें फैल जाती हैं। अब आगे जाके आगे काटेंगे नहीं, तो इन दोनों प्रकाश की किरणों को फिर हम क्या किए, पीछे बढ़ाए। तो पीछे बढ़ाने पर यहाँ पर वो काटती हैं ए डबल डैश बी डबल डैश,
अब इसके पहले चित्र और इसमें आप देख रहे होगे, वहां पर एक बार मैग्नीफाइंग होता है, माने वस्तु एक बार बड़ा बनता है, इसमें डबल मैग्नीफाइंग होता है, मतलब इतना छोटा वस्तु का इतना बड़ा प्रतिबिंब बना, फिर प्रतिबिंब का फिर बड़ा प्रतिबिंब बना। तो इसकी सहायता से फिर हम क्या कर पाते हैं, बहुत छोटे वस्तु का बहुत बड़ा प्रतिबिंब। इसलिए जिसको हम खुले नेत्र से नहीं देख पाते या जिनको हम सिंपल माइक्रोस्कोप से नहीं देख पाते, उनको संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखा जाता है। तो ये क्या है, आपको यदि इस फिगर का प्रैक्टिस करना है तो मेरे वीडियो को पॉज करके आप बार बार रिपीट करके बनाएंगे तो आपसे वो बन जाएगा। मेरे वर्किंग स्टेप को आप फॉलो कीजिए कि किसके बाद मैंने क्या ड्रा किया था, क्लियर। तो ये हो गया संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। अब हम आपको पढ़ाते हैं दूरदर्शी। नाम से स्पष्ट है, दूरदर्शी मतलब दूर को देखने का उपकरण, दूरदर्शी टेलीस्कोप। दूरदर्शी टेलीस्कोप क्या होता है, दूर के वस्तु को देखने के लिए काम में आता है। तो यह भी दो प्रकार का होता है, एक होता है आकाशी, आकाशी मतलब एस्ट्रोनॉमिकल, आकाशी पिंडों को देखने के लिए, आकाश के वस्तु को जैसे हमको इसे देखना है उसके लिए जो टेलीस्कोप यूज किया जाता है वो क्या कहलाता है, आकाशी कहलाता है। और इसका चित्र इस तरह से होता है। इसमें क्या डिफरेंस है, इसमें जो पहला लेंस होता है उसको हम बड़ा बनाते हैं, ये बहुत आसान है, ये बड़ा। अब अनंत से आने वाली प्रकाश किरण, क्योंकि वस्तु यहाँ नहीं बनाना है, क्यों नहीं बनाना है, क्योंकि वस्तु तो अनंत में है, उसको हम आँख से देख ही नहीं पा रहे हैं। ये दोनों इसे आपतित होते हैं, ये सीधी निकल जाती है, ये एक दूसरे को यहाँ पर काटते हैं और ये प्रतिबिंब बनता है ये। अब इसके बाद का लेंस क्या होता है, इस लेंस से आप उसको थोड़ा छोटा बनाएंगे इस तरह से। अब इसे एक प्रकाश किरण ये आपतित किए, दूसरी ये आपतित किए, ये दूसरी प्रकाश किरण को पीछे बढ़ा दिए ये, और इसको भी पीछे बढ़ा दिए, जैसा भी मैंने बताया था इस तरह से। तो यहाँ पर ये जो वस्तु अनंत में है जो हमको दिखाई नहीं देता, उसका हमको प्रतिबिंब इस प्रकार से प्राप्त हो जाता है, ये कहलाता है आकाशीय दूरदर्शी। अब इसमें जो अंतिम प्रतिबिंब बनता है वो देखो उल्टा बना हुआ है। अब इससे प्रॉब्लम क्या हुआ कि हम जब आकाशीय, देखिए इसके बाद जो दूसरा दूरदर्शी होता है वो होता है पार्थिव, पार्थिव मतलब टेरेस्ट्रियल, ट्रियल टेरेस्ट्रियल मतलब पार्थिव मतलब पृथ्वी की चीजों को देखने के लिए, जैसे पृथ्वी में हमको दूर की चीजों को देखना है तो उसके लिए जो टेलीस्कोप यूज किया जाता है वो पार्थिव है। तो आपके दिमाग में क्वेश्चन आ सकता है कि सर ये जब दूर की चीजों को दिखा रहा है तो उसी चीज को भी देख लो, लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम आया है। क्या प्रॉब्लम आया कि इसमें अंतिम प्रतिबिंब उल्टा दिख रहा है। अब सपोज हम पृथ्वी में किसी वस्तु को, सपोज समुद्र किनारे किसी सीप को या किसी आदमी को दूर से आता हुआ हम देखना चाहते हैं तो उसका सिर नीचे पैर ऊपर दिखाई देगा, तो हमको स्टडी में प्रॉब्लम होगा। इसलिए थोड़ा इसे मॉडिफाई किया गया, ये जो उल्टा प्रतिबिंब है उसको क्या बनाया गया, सीधा। तो इसका फिगर इस तरह से बन जाएगा। देखिए एक लेंस यहाँ बना दीजिए, ये अनंत से आने वाली प्रकाश की किरणें हैं, इनको हम यहाँ पर इस प्रकार से इंटरसेक्ट कराए और एक प्रतिबिंब बना लिए। यहाँ पर फिर हम एक लेंस लगाते हैं, इसको बोलते हैं प्रतिलोमक लेंस। अब यहाँ से एक प्रकाश में ऐसा आपतित किए और इसके प्रकाश केंद्र से और दोनों को कटवा के यहाँ पर एक प्रतिबिंब बना दिए। देखिए ये जो उल्टा प्रतिबिंब बन रहा था उस प्रतिबिंब को क्या कर दिया, सीधा कर दिया। इसके बाद फिर यहाँ पर एक लेंस उपयोग कर, इसमें तीन लेंस उपयोग किया जाता है ये। अब यहाँ से एक प्रकाश के मुख्य के समानांतर और एक यहाँ से, ये चीज जो मेरा पीछे वाला वीडियो देखा होगा उनको फटाफट समझ में आ रहा होगा, लेकिन जो पिछला वीडियो नहीं देखे उनको टेलीस्कोप माइक्रोस्कोप समझ में नहीं आएगा। इसलिए आपको मेरा सजेशन है कि इसको समझने में आपको प्रॉब्लम आ रहा होगा तो इसके तुरंत बाद आप फर्स्ट पार्ट के वीडियो को देखिए जिसे मैंने लेंस पढ़ाया हुआ है। तो ये और दूसरी प्रकाश की किरण को हम क्या किए, इस तरह से पीछे बढ़ा दिए और ये फैल गया इधर। अब दोनों यहाँ पर एक दूसरे को काटने लगे तो यहाँ पर अंतिम प्रतिबिंब बना, ये यहाँ पर अंतिम प्रतिबिंब है जो मैं ये डार्क करके बना रहा हूँ। अब आप दोनों को देखिए, यहाँ उल्टा बना है यहाँ सीधा बना है। तो यहाँ उल्टा बनने से प्रॉब्लम क्यों नहीं आया आकाशी में, क्योंकि आकाशी पिंड तो सब गोल है। अब गोलाकार वस्तु का क्या उल्टा सीधा, एक फुटबॉल को आप देखेंगे तो कैसा कैसा भी घुमा दो आपको सीधा दिखाई देगा।
इसलिए आकाशीय दूरदर्शी में उल्टा से कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, लेकिन पृथ्वी की चीज़ों को यदि हम देखना चाहें, यदि किसी व्यक्ति को दूर से आता हुआ देखना चाहें और इससे देखें तो उल्टा दिखाई देगा, इससे देखें तो वो सीधा दिखाई देगा। तो ये बेसिक डिफरेंस है बस इसमें। तो ये आपका हो गया टेलीस्कोप और माइक्रोस्कोप, क्लियर। आप में से मैंने पिछले वीडियो में प्रकाश कंप्लीट हो गया, अब इसके बाद इलेक्ट्रिसिटी पढ़ाऊंगा ऐसा मैंने कहा था, क्योंकि ये पोर्शन बहुत कॉमन ये हो जाएगा ऐसा कुछ मैंने सोचा था, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स लोग का डिमांड, कुछ मेरे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स आए कि सर प्लीज़ टेलीस्कोप माइक्रोस्कोप भी पढ़ा दीजिए, तो मैंने स्पेशली इस पोर्शन को कवर कराया। अब हमारा जो नेक्स्ट वीडियो होगा वो इलेक्ट्रिसिटी पर होगा, और अभी से आपको मैं बता दूं इलेक्ट्रिसिटी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, उसका मैं कॉन्सेप्ट आपको इस तरह से क्लियर कर दूंगा कि एक बार आप मेरा लेक्चर इलेक्ट्रिसिटी का ध्यान से सुन लीजिए, फिर आप इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड जितने क्वेश्चन आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आएंगे मेरा चैलेंज है आपको कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ओके, थैंक यू।